नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों अभी अभी NIOS का प्रैक्टिकल का डेट शीट निकल चुका है। जिन विद्यार्थियों को अप्रैल में एग्जाम देना है वो ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम बता देंगे आपको कब से कब तक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम चलने वाला है और कब से स्टार्ट होगा और कब से थ्योरी का एग्जाम होगा, वो भी हम बताएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों मार्च में 11 मार्च से आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम स्टार्ट होगा और ये 15 मार्च तक, सॉरी 25 मार्च तक चलेगा। तो जानते हैं कि कौन कौन से एग्जाम कौन से डेट के बीच में होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपका 12th क्लास का होम साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और पेंटिंग और 10th क्लास का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जाम प्रैक्टिकल का 11 से 15 मार्च के बीच में होगा। और 16 से 20 मार्च के बीच में जो होगा एग्जाम वो है आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और ईवीएस। ये तीन सब्जेक्ट का 16 से 20 के बीच में होगा और 10th क्लास का पेंटिंग, मैथ, ये दो सब्जेक्ट का 16 से 20 के बीच में होगा। और तीसरा है आपका 21 से 25 मार्च के बीच में जो होने वाला एग्जाम है वो है कंप्यूटर साइंस, डाटा एंट्री, मास कम्युनिकेशन और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और 10th क्लास का होम साइंस, डाटा एंट्री, ये दो सब्जेक्ट का आपका 21 से 25 के बीच तक होगा एग्जाम। तो विद्यार्थियों ध्यान से देख लो, ये है आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम डेट शीट। इसी बीच में आपका एग्जाम होगा, 11 और 25 मार्च के बीच में आपका सारा एग्जाम हो जाएगा प्रैक्टिकल का। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा थ्योरी का। तो चलिए देखते हैं थ्योरी कब से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों थ्योरी 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा आपका 24 अप्रैल तक। 24 अप्रैल तक चलेगा और ये 24 मार्च से स्टार्ट होगा, यानी कि पूरे एक महीने आपका एग्जाम चलेगा 10th और 12th दोनों क्लास के लिए। बट यहाँ पे क्या है कि आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट किस डेट को है, आपका एग्जाम किस डेट को है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सारा सब्जेक्ट का दे दिया गया है। इसी के आधार पे अब आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा, वो कुछ दिन में आपको NIOS के मेन वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिन विद्यार्थियों को डाउनलोड करना हो वो हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। और मैं अपनी वेबसाइट ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट डॉट कॉम में स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कैटेगरी के नीचे मैं दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।